मेरे प्रभु को देखकर सब आनंद आनंद में आ गए। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठा। राम जी के स्वरूप का दर्शन करके भगत राजा गदगद हो गए, अभिमानी बलबल आ गए, आपस में गाल बजाने लगे। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बैठे ही थे कि आज्ञा हुई सदानंद जी महाराज की, सखियां मेरी माँ को लेकर आई। सियाजू के हाथ जय मंगल गीत गावे चाहते हैं मेरी मां कितनी सुंदर लग रही है, क्योंकि मां का सौंदर्य इतना अप्रतिम अद्भुत अलौकिक है कि मां ने सबको मोहित कर लिया। रंग भूमि जब देख रूप जो बैठने वाले लोग, जितने विराजित लोग सब मोहित हो गए। कैसे मोहित हो गए? माँ आदिशक्ति जगत जननी पारम्बा भगवती सीता महारानी ने मायो माया प्रेरणा कर दी, और जब जीव मोहित हो जाता है तो उसकी गति ही रुक जाती है। वो कितना भी मोह से उसको निकालिए, वो निकलता नहीं है, गलती बार बार करता है, क्रिया शून्यता आ जाती है। अब बैठ गई मां सुनैना जी के पास जानकी अम्बा, तब मिथिलापति की अनुमति से शतानंद बाबा ने कहा, महाराज की प्रतिज्ञा सुनाइए। बंदीजन खड़े हुए और बंदी जनों ने प्रतिज्ञा पूर्वक महाराज की जो प्रतिज्ञा है उसको सुनाना प्रारंभ किया। सत्य कहेंगे, सत्य के सिवा असत्य कहेंगे नहीं। द्वीप द्वीप के राजा महाराजाओं, हमारे महाराज मिथिलापति ने जो प्रतिज्ञा ठाना है आप सब लोग सुन सुन कर आए हैं। आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है, भगवान शिव का पिनाक राहु है। इस भरे राज समाज में जो इस पिनाक को तोड़ेगा तीनों लोक में उसकी जय जयकार हो जाएगी। हमारे श्री महाराज की लाडली जानकी जो उनका बिना ही विचारे वरण कर लें। इतना सुनना था, सब राजा अपने स्थान पर खड़े हो गए।
कहे हम तोड़ेंगे हम तोड़ेंगे। सदानंद जी महाराज ने शांत कराया, एक एक करके आइए पता तो चले किससे टूटा है। कोई तोड़ सका नहीं। तमक कर धरते हैं धनुष को, ताकते हैं बल लगाते हैं, लेकिन वो टूटना तो दूर और अधुक अधिक गरुता परिपुष्ट होता जाता है। सब राजा एक साथ मिल लिए, मिलकर तोड़ने लगे। भोप सहस दस ये कही बारा लगे उठा डग गई न शंभु कामे बचन समुद्र भय जोग उपहासी जैसे राजाओं की स्थिति देख मिथिलापति अकुला गए। अकुलाहट में वाणी असंयमित हो जाती। राजा महाराजाओं दीप दीप से हमारी प्रतिज्ञा सुनकर सब लोग आए हैं। आप सब लोग मनुष्य तो क्या, देवता और असुर सुंदर स्वरूप में यहां पधारे। कहिए क्या आप में से किसी को लाभ नहीं भाया? भगवान शिव के पिनाक को कोई तिल भर हिला तक न पाया। कन्या सुंदर कीर्ति वर्णन करने योग, परंतु ऐसा लगता है भगवान ब्रह्मा ने इस कृत्य को भरने के लिए किसी को धरती पर भेजा ही नहीं। अब आसरा क्या देखते हैं? तज हुआस लिखा न विधि, परंतु जाते जाते सब लोग सुन लीजिए, आज से कोई माख नहीं करेगा कि हम वीर हैं। नए जनक आज से मान लिया धरती पर कोई वीर नहीं। अब मैंने तो प्रतिज्ञा ठान लिया, प्रतिज्ञा तोड़ता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित होती है। कन्या कुमारी रहे, इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता। इतना बोले तो कोई बात नहीं। जब जनक जी महाराज ने कहा यदि मैं जनक जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है तो ऐसी प्रतिज्ञा करके जगत में अपनी हंसी कदापि न कराता। मिथिलेश के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष श्या मैया की ओर देखकर और तात्यंतिक दुखी हुए गए। लेकिन लक्ष्मण जी की भौहें तन गई। माँ खे लखन कुटिल भई भाव है रद पट हरकत नयन कही न सकत रघुबीर लगे लक्ष्मण जी मंच से कूद पड़े और यूं कहने लगे प्रभु रघुवंश का एक भी प्राणी किसी सभा में हो इस प्रकार की शब्दावली कोई कह सकता नहीं। आज थोड़ा कही जनक जस अनुचित वाणी, कही जनक जस अनुचित वाणी मान रख कुल मन जानी, मान रख कुल मन जानी सुनो भान कुल पंकज भानो, सुनो भान कुल पंकज भानो कहाँ स्वभाव न कछु अभिमानो, कहाँ स्वभाव न कछु अभिमानो जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ खंड जैव ब्रह्मांड उठाओ।
प्रमाण ले जाओ, भोजन सत प्रमाण ले जाओ। छत्रक दंड जिनी छत्रपों को जैसे बच्चे रौंद देते हैं, धनुष को रौंद दूंगा, नहीं करूं आपके बल से, आपके प्रताप से, आपके भरोसे। तो आज से लक्ष्मण धनुष बाण को हाथ नहीं लगाएगा। लक्ष्मण जी बोले मिथिला में धरती की गति का दर्शन करिए। क्रोध के वशीभूत होकर लक्ष्मण जी बोलते भाई, धरती डगमगा गई, दिग्गज अपने धुरी पर डोल गए। जनक जी संकोच में आ गए। जनक जी को तो ध्यान नहीं था कि ये जो राजपुत्र आए हैं मुनि देव के साथ, ये भी धनुष भंग में, धनुष यज्ञ में, स्वयंवर में सम्मिलित होंगे। वो तो सोचे थे कि गुरु जी के साथ आए दुठे चेला, देखे के हमार मनवा करेगा करेगा। गुरु जी के साथ चेलन के पूछत बा। लेकिन लक्ष्मण जी की वाणी सुनकर सब थर थर आए गए। गुरुदेव, प्रभु, मुनिगण, माँ सब गदगद हो गए। रघुवीर के रहते वीरता का ऐसा निरादर लक्ष्मण जी को स्वीकार नहीं हुआ। लक्ष्मण जी ने जो कहना था सब कह डाले। आपकी आज्ञा हो वैसा करूंगा, आपके बल प्रताप से ऐसा करूंगा। अच्छी बात। ये चल ही रहा था कि गुरु जी ने लक्ष्मण जी महाराज की ओर देखा नहीं, राम जी की ओर देखा। और राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। वो लक्ष्मण जी अनुमति चाहते हैं,